ओम नमः शिवाय। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष रविवार अमावस्या पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा मघा नक्षत्र में सुबह 7:55 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ही चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, आकर्षक, साहसी, धन और ऐश्वर्य से युक्त, यात्रा प्रिय मानसिकता वाले होते हैं। ऐसे जातक ईमानदार, संगीत प्रेमी, आराम पसंद, बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों के प्रेमी, शेयर तथा लॉटरी में रुचि रखने वाले, विश्वासपात्र और शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले होते हैं। ये धार्मिक प्रवृत्ति के मान सम्मान को अधिक महत्व देने वाले मगर उन्नति के कार्यों में संघर्ष महसूस करने वाले, धर्म के मामले में लचीले आचरण वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा सूर्य और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी पूरे दिन सिंह राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी सूर्यदेव हैं। आज भी सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति सिंह राशि में ही बनी रहेगी। अमावस्या का पूरा असर आज कायम रहेगा। जिन जातकों के कारक ग्रह सूर्य और चंद्रमा होंगे, ऐसे जातक मानसिक रूप से अस्थिर, परेशान, मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना, निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव और मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं। ऐसे जातकों को आज के दिन वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि आज चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन बने रहेंगे, इसलिए प्रयासों को बल मिलेगा, कार्य क्षमता बनी रहेगी, रचनात्मक क्रियाशीलता में वृद्धि होगी और आर्थिक पक्ष में सहयोग बना रहेगा। मेष राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र की अनुकूलता मन मुताबिक बनी रहेगी। नए लोगों से संपर्क होंगे, लाभ के नए अवसर सामने आएंगे, साझेदारी सफल रहेगी, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी होंगी और आर्थिक लाभ व सहयोग मिलता रहेगा। मगर कुछ मामलों में आज का दिन चिंता को बढ़ाने वाला होगा। योजनाएं बलवती होंगी लेकिन काम करने की गति प्रभावित होगी। आलस्य प्रधान मानसिकता संभावित है मगर अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। खान पान में सावधानी बरतें और पुरानी दिक्कतों फिर से शुरू हो सकती हैं। साथ ही वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र से मानसिक संतुष्टि मिलेगी और मन मुताबिक काम होते रहेंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति और उत्साह में वृद्धि होगी। मित्रों से सहयोग व आर्थिक लाभ संभावित है। योजनाओं को लागू करने में सफलता मिलेगी। कुछ रुके हुए काम भी संपन्न हो सकते हैं। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल है। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। बच्चों के विषय में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग और सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि वाले जातकों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। कार्य योजनाओं को सुचारू ढंग से पूरा करने में परिवारीजनों और सहयोगियों की प्रेरणा मिलती रहेगी। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव और साझेदारी सफल रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्यतया बना रहेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। कुछ न कुछ सीखते रहने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। किसी महत्वपूर्ण काम के पूरा होने से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन संबंधी मामलों पर केंद्रित रहेगा। वाणी का परिष्करण होगा और आर्थिक लाभ के वैकल्पिक मार्गों की मानसिकता बनी रहेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे और साझेदारी सफल रहेगी। भाग्यवश नई योजनाओं के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक दायित्व में मानसिक दबाव महसूस होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा होगा। भावनात्मक रिश्तों में उतार चढ़ाव संभावित है। मधुर संबंधों का ख्याल रखें और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन आपके दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। महिला वर्ग से लाभ और आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। अपने अतिरिक्त ऊर्जा का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में करते जाएं, लाभ मिलता जाएगा मगर विवादित मामले संभावित हैं जिसमें सावधानी अपेक्षित है। हालांकि मित्रों का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद और पारिवारिक प्रेरणा बनी रहेगी मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें।
कन्या राशि के जातकों के लिए अनावश्यक धन खर्च और नकारात्मक विचारों के उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है, मगर व्यावसायिक उन्नति का दौर जारी रहेगा। मित्रों और सहयोगियों से सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। साझेदारी लाभदायक रहेगी और आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में विवाद संभव है। अध्ययन अध्यापन में सफलता के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रयास जारी रखें। खान पान में सुधार और पेट संबंधी समस्याओं में सावधानी अपेक्षित है। तुला राशि के जातकों को आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी और आय संबंधी नए विकल्प तैयार होंगे। चंद्रमा का शुक्र के नक्षत्र में होना सहयोगी पृष्ठभूमि तैयार करेगा, मगर अपनी कार्य योजनाओं में सावधानी अपेक्षित है। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे जिसमें सरकारी विवाद और उचित दिशा निर्देश में रुकावट संभावित है। किसी विषय को लेकर प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। हालांकि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता संभावित है। वाद विवाद और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की कार्य क्षेत्र के प्रति सक्रियता बढ़ेगी और नई कार्य योजनाओं के सृजन की मानसिकता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है। रुके हुए काम संपन्न होंगे। व्यावसायिक योजनाओं के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें निवेश लाभदायक रहेगा। हालांकि निजी जीवन में व्यवधान संभावित है। संतान संबंधी मामलों में खर्च, मगर नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है। पारिवारिक प्रेरणा मिलती रहेगी। नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें और दिनचर्या में खान पान को संतुलित करें। धनु राशि वाले जातक कार्य क्षेत्र में अनुकूल महसूस करेंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रमा के शुक्र के नक्षत्र में चलने से अधूरे पड़े कामों को निपटाने के प्रति चिंता लगी रहेगी और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, मगर वित्तीय मामले के लेन देन में सावधानी रखें। हालांकि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। व्यावसायिक मामलों में आपका काम सुचारू ढंग से चलता रहेगा। साझेदारी के कामों के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। मकर राशि वाले जातकों के मानसिक भ्रम का दौर समाप्त होगा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मंगल का उत्साह और गुरु की प्रेरणा से उन्नति में सहयोग और आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी। मित्रों से सहयोग और संतान के प्रति आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। चंद्रमा के आठवें घर में चलने की वजह से मन में अनावश्यक चिंता, कुछ कामों में रुकावट और भयग्रस्तता के साथ साथ नकारात्मक विचारों का उठना और मधुर संबंधों में कमी संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पर आवश्यक सावधानी बरकरार रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक पक्ष के विकास और साझेदारी के प्रति सहयोग मिलेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव संभावित है। व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी। दृढ़ विश्वास और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। साझेदारी लाभदायक रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। परिवार में हर्ष और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपेक्षित हैं और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और नकारात्मक विचारों के प्रति मानसिकता बनी रहेगी। आर्थिक लेन देन के प्रति भी सावधानी अपेक्षित है। व्यावसायिक लाभ मिलने से मन में उत्साह और कार्य योजनाओं को बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। अधिक जोखिम वाले काम उचित नहीं होंगे। निजी पारिवारिक रिश्तों में सावधानी अपेक्षित है। सरकारी कामकाज से लाभ संभव है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय संघर्ष भरा हो सकता है। प्रयास जारी रखें और आपसी संबंधों में मधुरता कायम रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।